कैसे कैसे कर सकता है संग्राम ये सब? जी तो चाहता है अभी के अभी उसका गला घोट दूं। भैया कहां जा रहे हैं आप? माधव ने संग्राम को और ढील नहीं दे सकता। बौजी पुलिस सबके सामने उसकी सच्चाई लानी होगी हमें जल्द से जल्द। नहीं भाई, भैया ये बहुत ही नाजुक समय है, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। भैया अगर आपके हमारे और सरोजा जी के अलावा किसी को भी संग्राम भैया की सच्चाई पता चलेगी तो शायद बाबूजी से झेल नहीं पाएंगे। हाँ भैया, इस समय हमें एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ेगा। जब तक आदित्री घर नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, एक बार मेरी बेटी मेरे पास आ जाने दो, बस उसके बाद मैं खुद एक एक को देख लूंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस संग्राम को आदित्य की किडनैपिंग के लिए 10 साल जेल में न सड़ा दूं। और अगर मेरी बच्ची को जरा भी खरों चाहिए ना उस संग्राम में तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भैया आप ऐसा क्यों सोच रहे? हमारी गुड़िया को कुछ नहीं होगा। हम सबकी दुआओं में इतनी सच्चाई है, भगवान उसे अनसुना नहीं कर सकते भैया। हाँ भैया, इसीलिए तो भगवान ने हमारी इतनी मदद की है कि संग्राम भैया की सच्चाई हम सबके सामने आ गई। बस एक बार आदित्री वापस आ जाए। अरे आप इतना परेशान होकर क्यों घूम रहे हैं? अब तो हमारे ऐश करने के दिन आने वाले हैं। ये लो। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई, हम कब से बोले जा रहे हैं और आप हैं कि हमें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अच्छा छोड़िए, हमें ये बताइए कि ये पूरी पलटन यहाँ क्यों आई थी? ओ अब हमें पता चला, इन लोगों को ना आपकी असली कद्र हो गई है, इसीलिए यहाँ आए थे। और ये दिन तो आने ही वाला था, हम तो जानते थे। तारा रानी एक काम करो, सबसे पहले दरवाजा बंद करो। ओह आपको हमसे प्राइवेट वाली बात करनी है ना, हम अभी करके आते हैं। पता है हमें ना आपका नाटक देखकर ना हमें लगता है कि हम अपने गुड्डा को ना फिल्म का हीरो ही बनाएंगे। बस जल्दी से ना हमें इस पूरे घर का राजपाट मिल जाए ना तो बस मजा ही आ जाएगा। फिर तो हम ना सबसे पहले बम्बई जाएंगे और एक बहुत बड़ा बंगला खरीदेंगे अपने गुड्डा के लिए। अरे अरे देखिए ना, हमारी बाइयां फड़क रही है, पर इसका मतलब हम बहुत जल्दी नौकरानी से महारानी बनने वाले हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। अरे ये बकूफ औरत, तू ही सफर साथ के चल, आज हम तेरा गला ही दबा देंगे। अरे क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमको। क्यों, सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना? आज के बाद अगर तूने ये नौकर वाला राग लापा ना तो तुझे हम जान से ही मार देंगे। क्यों भड़क रहे हैं आप हम पर, जबकि हमने आपको बेटा दिया है अपनी ये दुर्गत करवाने के लिए। अच्छा बताइए कि हुआ क्या है? हुआ क्या है, सरोजा माधव और विजेंद्र भैया को सब कुछ पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे? अब अगर जेल की रोटी नहीं खानी है ना तो इस घर का नमक कहाँ अदा करो, सिर से लेके पांव तक वफादार बन जाओ। अच्छा सुनिए, क्या आपने सरोजा को भी बता दिया कि हम भी इस खेल में शामिल हैं? नहीं। संग्राम भैया, वज्रराज को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। जैसे आप उससे पहले बातें करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे अभी भी। लेकिन अब आप उससे वही कहेंगे जो हम आपसे उसे कहलवाना चाहते हैं।
आप वज्रराज को उसी नंबर पे कॉल करेंगे जिससे उसका फिरौती के लिए कॉल आया था। संग्राम भैया, हम सब ने अपने आप को किसी तरह से रोक के रखा है, क्योंकि हम लोग आपको एक मौका देना चाहते हैं। अब आप जाइए यहां से, आगे क्या करना है यह हम आपको बाद में बताएंगे। अब आगे क्या करना है? हम भी वही सोच रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लें? इसकी नजर लग गई है इस घर को। कहा सब एक साथ हंसते खेलते थे, पर कहा सब अदिति लौट आओ बेटा, तुम्हारे दादा को तुम्हारी बहुत जरूरत है, लौट आओ, लौट आओ अदिति। लौट आओ अदिति, लौट आओ। कुछ नहीं होगा आदित्री को प्रमुख जी, कुछ नहीं होगा हमारी पोती को। मिसेस प्रमुख जी, आप कसम खाई, कसम खाई है हमारी कि इस बार जब आदित्य वापस आएगी तो आप उसे दादी और नानी दोनों के हिस्से का प्यार देंगे। कसम खाई। बड़ी भूल हो गई हमसे पर मुझे, हमारे घर में लक्ष्मी जी पधारी और हम उसे पहचाने नहीं पाए। इस बार जो वो आएगी ना तो सब कुछ करेंगे उसके लिए हम, लेकिन भगवान ने आंखें खोल दी हमारी, बस आप हिम्मत मत हारिए, आपकी हिम्मत से ही ये कार्य है। हम हैं, हमारे बच्चे हैं परम जी, जो आप टूट गए ना नहीं छोड़ पाएगा। हिम्मत रखिए, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा पर वज्रराज हमारे काबू में आ जाएगा। आपको याद है हमारा एक बैचमेट था ऑफिसर सूरज सिंह, जिसने आपके वो लॉकर केस में आपकी हेल्प की थी, उसका ट्रांसफर अब सीआईडी में हो गया है। पर हमें लगता है कि एक बार हम उससे हेल्प मांगे, अभी उसकी पोस्टिंग भी यहाँ नहीं है और वज्रराज उसका ट्रैक नहीं रख पाएगा, इससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सरोजा? भैया, हम बस यही सोच रहे थे कि हमें खुल करके उसे सारी बातें बतानी पड़ेंगी जो प्रॉब्लम हमारी फैमिली में चल रही है। हम बड़े गर्व से यही कहते थे कि हमारी जॉइंट फैमिली है, सब में आपस में बहुत प्यार है। सरोजा जी, ये समय ये सब सोचने का नहीं है, हमें उससे बात करनी चाहिए और बाद में सोचेंगे कि उसे क्या बताना है और क्या नहीं बताना। माधव सही तो कह रहे सरोजा जी। भैया, हम उससे बात करते हैं और जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहते हैं।